हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 न्यू ट्रिक्स। सो आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए आज के इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 से, और हमारी ट्रिक नंबर 1 को करने के लिए आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। आपको जाना है सोशल जोन के बॉक्सिंग रिंग के पास। सो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सिंपली नेट को ऑफ करना है, फिर आपको टैप टैप करना है ज्वाइन बटन पे, जब तक आपका पिंग पूरी तरीके से ट्रिपल लाइन हो जाए। जैसे पिंग ट्रिपल लाइन हो जाए, यहाँ पर नेट को ऑन करना है, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है बैक करना है, और फिर यहाँ पर फिर से टैप टैप करना है ज्वाइन वाले बटन पे। और जैसे आपका पिंग यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, आप इस तरीके से टारगेट रेंज में घुस जाओगे। और टारगेट रेंज में घुसने के बाद अभी आप जाओ यहाँ पर, मतलब ये जो यहाँ पर सर्कल होते हैं कंबाट जोन का और सोशल जोन का, आप इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। चाहो तो यहाँ पर ग्लो स्कूल के दरवाजे पर भी जा सकते हो, बट आप जो है बिल्कुल भी यहाँ पर अंदर नहीं जाओगे। और ये देखकर जो आपका फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं रुक पाता है। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए सिंपली आपको गेम को स्टार्ट करना है। जैसे आपका लोडिंग स्क्रीन आ जाए, आपको गेम को मिनिमाइज़ कर देना है। गेम को आपको तब तक मिनिमाइज रखना है जब तक कि आपको ना लगे कि हमारी यहाँ पर लॉबी स्टार्ट हो चुकी होगी, मतलब गेम यहाँ पर खुल चुका होगा। और जब आपको लगे कि हमारा गेम खुल चुका होगा, उसके टाइम पे आपको जो यहाँ पर अपने गेम को खोलना है। फिर यहाँ पर बोर्ड पे भी ध्यान से देखो, मतलब नॉर्मली यहाँ पर बोर्ड पर कोई ना कोई रहता है, और अभी भी यहाँ पर 3 बंदे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हो। बट यहाँ पर जो किसी भी बंदे का यहाँ पर कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है, जो कि नॉर्मली बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर सेंतोसा के इस वाले टनल के पास। तो टनल में आपको इस तरीके से अपनी मैकलॉरन कार को लाना है, फिर यहाँ पर गाड़ी को कैसे सेट करना है आप ध्यान से यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो इस तरीके से गाड़ी को सेट करने के बाद यहाँ पर एंटर करना है, फिर यहाँ पर गेट आउट कर देना है। फिर आपको पहले इस तरीके से बाहर की साइड आना है, और बाहर की साइड आने के बाद थोड़ा सा जब आपका यहाँ पर कैरेक्टर दिखे, फिर आपको यहाँ पर बस जंप जंप करते रहना है। जैसे आप यहाँ पर जंप जंप करोगे, आपका जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। और इतना ऊपर आने के बाद आप चाहते हैं यहाँ पर क्राउच करके यहाँ पर हाइड भी हो सकते हो, चाहे तो खड़े होकर यहाँ पर किसी भी एनिमी को भी इजिली किल कर सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से बाहर निकल कर भी यहाँ पर भी आप इजिली कैंप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर अलग है। तो आप चाहो तो यहाँ पर बाहर निकल के भी इस तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हो, चाहो तो यहाँ से आप किसी भी एनिमी को भी इजिली किल कर सकते हो। और इस तरीके से आप इस वाली ट्रिक को कर सकते हो, यहाँ पर भी कैंप कर सकते हो, चाहो तो वहाँ पर भी कैंप कर सकते हो। जब आपको बाहर निकालो यहाँ से, आप इस वाले रास्ते से इजिली जो है यहाँ पर बाहर निकल सकते हो, और यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरीके से ऊपर जा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर चाहे कोई सा भी कैरेक्टर, मैंने यहाँ पर दिमित्री लाया, आप चाहते हैं यहाँ पर फ्रेंड के ऊपर भी ये ट्रिक कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, मैं नॉक हो चुका हूँ, अब यहाँ पर सेल्फ रिवाइव करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद रिवाइव करो या फ्रेंड को बोलो रिवाइव करने के लिए। आपको जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 HP ही मिलेगा, चाहे आप खुद से यहाँ पर रिवाइव करो या फ्रेंड को बोलो वो आपको रिवाइव कर दे। तो अब आपने यहाँ पर ध्यान से देख लिया कि हमें 20 HP मिला। अब आपको जाना है कैरेक्टर वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपको पहले जो ये नर्स हीलिंग टच आपको ये रखना है, और दूसरे वाले स्लॉट में आपको रखने ये कपिला अपनी हीलिंग सॉन्ग वाली, और तीसरे में आपको ये यहाँ पर क्या लिखा है विटल वाइबस, आपको इसको रख लेना है। तो ये 3 कैरेक्टर लेने के बाद अब जब यहाँ पर नॉक हो जाओगे, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होता है। मैं फिर से यहाँ पर नॉक हुआ, फिर से यहाँ पर सेल्फ रिवाइव करता हूँ। सो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंड रिवाइव करे या आप रिवाइव करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होता है। पहले मुझे कितना HP मिला था, 20 मिला था, बट अभी देखो हमारा HP जो यहाँ पर 150 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारे नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर मार्स इलेक्ट्रिक में आपको जाना है ये डब्बे के पास। यहाँ पर थोड़ी सी पहले लूट को ड्रॉप करना है, फिर आपको चढ़ना है डब्बे के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद पहले अच्छे से बैठना है, फिर यहाँ पर लैंडमैन को सेट कर देना है, चाहो तो 2 सेट कर सकते हो। जब आप यहाँ पर अपनी लैंडमैन को सेट करोगे, आपके जो यहाँ पर लैंडमैन रहेगी वो यहाँ पर थोड़ी सी भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, पूरी की पूरी यहाँ पर इनविजिबल हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर 1 सेट की थी, बट अगर आपके पास 2 है तो दोनों सेट कर सकते हो, जिससे यहाँ पर ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद कोई भी बंदा अगर इस लूट को यहाँ पर लूटने जाएगा, वो यहाँ पर इस तरह से नॉक हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको किसी भी यहाँ पर हवेली के ऊपर उतरना है, फिर यहाँ पर प्रोन करना है, फिर नेट को ऑफ कर देना है। पहले आपको वेट करना है ट्रिपल लाइन पिंग का। जैसे आपको पिंग पूरी तरह से ट्रिपल लाइन हो जाए, फिर आपको किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से रन करना है। कम से कम आपको 35 सेकंड तक यहाँ पर नेट को ऑफ रखना पड़ेगा, फिर आपको नेट को ऑन करना है। और नेट को ऑन करने के बाद कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर रन करते जाना है, करते जाना है। जब आपका पिंग यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, आप इस तरह से इसके अंदर घुस जाओगे। और अब देखो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा, मतलब एक ग्लास हाउस लग रहा है पूरा का पूरा, हमें नीचे का भी व्यू दिख रहा है और बाहर का भी व्यू अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरह से चाहते हो यहाँ पर कैंप कर सकते हो। बाकी जब आपको बाहर निकलो, इस वाले साइड में आना है, यहाँ पर आपको 2-3 जंप करने हैं, फिर आप बाहर भी इस तरह से निकल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है नए वाले मोड में। तो जंपिंग मोड में आपको जाना है। अभी देखो यहाँ पर मैंने जंपिंग शूज़ लिए, 1 जंप किया, और अब देखो यहाँ पर ये जो है मतलब पूरा का पूरा डाउन हो चुका है, यहाँ पर चार्जिंग पे लगा हुआ है। मतलब हम कंटिन्यू यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी जंप नहीं कर सकते, क्योंकि ये चार्ज पे लगता है।
बट यहाँ पर आपको सिंपली नेट को ऑफ करना है। जब आप नेट को ऑफ करोगे आपका जो शूज़ है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कूल डाउन या चार्ज कुछ भी होगा ही नहीं। आप जितने चाहो यहाँ पर जंप करो, मतलब पहले आपने देख लिया, मैंने एक जंप किया फिर वो वहाँ पर जो है कूल डाउन होने लग गया था क्योंकि वो चार्ज जो है डाउन हो चुका था। बट अब देखो मैंने पर कितनी ज़्यादा जंप की, हमारा जो शू है मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी हमारा जंपिंग शूज बिल्कुल भी कूल डाउन नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर अनलिमिटेड जंपिंग जपांग वगैरह कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारे नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है लॉब में, फिर आपको जाना है लक रॉयल में। सो लक रॉयल में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना जो है इस वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको ये जो गन सामने दिख रहा है इस गन पे, और यहाँ पर लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा मोक पुस्ट, और दोनों पे एक साथ टैप कर देना, फिर आपको यहाँ पर इस वाले बंदे पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको ये जो है ग्लिच हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैरेक्टर सामने रहेगा, पीछे से और एक आएगा घोड़े पे बनकर, मतलब ये जो है ना ये दुल्हन है और वो दुल्हा है, इसको लेने आया है वो अपने घोड़े पे। तो इस तरह से दो दो कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर, हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, फिर आपको आना है सोशल जोन में, फिर आपको जाना है पहले शॉप के पास, और शॉप के पास जाने के बाद आपको यहाँ पर डाइस को लेना है, फिर आपको इस साइड में आना है। और आपको नॉर्मली पता है कि हम जो है एबी के टाइम पे कम बार्स में बिल्कुल भी डाइस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, बट इस वाली ट्रिक का यूज़ करके आप इजी जो है यहाँ पर कम बार्स में अपने डाइस को यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको इस तरह से स्टेप्स फॉलो करनी है, बाकी आप चाहो तो इस वाले घर के ऊपर जाने के लिए आप क्राफ्ट टूल का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इस तरह से मेरा वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। और हाउस के ऊपर आने के बाद आपको इस तरह से पर अच्छे से पहले दीवार के पास बैठना है, पर इनविजिबल वॉल रहता है उसके पास बैठना है, फिर इस तरह से एम करना है और यहाँ पर मैं डाइस को यूज़ कर लेना है। और अब देखो मेरा जो डाइस है वो यहाँ पर घुस चुका है कम्बार जोन में। अब आपको सिंपली जाना है वापस टारगेट रेंज में, फिर आपको जाना है कम्बार जोन में, और अब मैं आया यहाँ पर कम्बार जोन में। और अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली कोई भी यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर पाता जो कि आपको भी पता होगा, बट यहाँ पर भी देखो मैंने यहाँ पर डाइस यूज़ किया था वो इसके अंदर घुस चुका है। तो इस तरह से डाइस को अंदर घुसा सकते हो, यहाँ पर एनिमीज़ को भी सरप्राइज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ये जो है अंदर फेंका था और बहुत सारे एनिमीज से खेल भी रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारे नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है पर पुर्गेटरी मैप में, फिर आपको आना है मोथ हाउस के इस वाले पूरा एंड के पास। तो एंड के पास आने के बाद आपको अपनी मैकलन कार को इस तरह से यहाँ पर सेट करना है, फिर यहाँ पर गाड़ी में एंटर करना है और कट आउट कर देना है। तो क्या लगता है आपको, मैं यहाँ पर खुलाई हूँ कहीं भी नहीं गया, बट अब ध्यान से देखो मेरा जो फ्रेंड यहाँ पर रन कर रहा है वो ये इस साइड में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल रहता है। सो इसके बाद आपको जाना है ऊपर, और मैंने पर जितना हो सके उतना यहाँ पर वीडियो को फास्ट किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था मुझे ऊपर जाने में। तो इस तरह से आपको ऊपर चले जाना है, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर अब ध्यान से देखो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ऊपर आ चुका, मतलब इतना ज़्यादा ऊंचा कोई भी यहाँ पर जगह है ही नहीं, मतलब समझ लो कि ये हमारी पूरी की पूरी गेम का माउंट एवरेस्ट है, मतलब इससे ज़्यादा ऊंची जगह कोई इस गेम में है ही नहीं। बाकी ये था आज के इस वाले वीडियो में, आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।